हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल। आज हम रिव्यू कर रहे हैं एक महिंद्रा एसयूवी का, महिंद्रा एक्सयूवी 300। फर्स्ट जनरेशन मॉडल आप ये देख रहे हैं, आता है दो इंजन ऑप्शंस के साथ, पेट्रोल एंड डीजल। टोटल 11 वर्जन्स मिलते हैं आपको एक्सयूवी 300 में। शुरू होता है 9,40,000 रुपये से लेके 15,07,000 रुपये तक, ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली। ये जो आप सामने वेरियंट देख रहे हैं, ये है टॉप वेरियंट W8 ऑप्शनल वेरियंट, जो पड़ेगा आपको पेट्रोल में 13,90,000 रुपये का, डीजल में पड़ेगा 14,40,000 रुपये का, और AMT का भी ऑप्शन मिलता है आपको डीजल वेरिएंट्स के साथ, इसमें पड़ेगा वो 15,07,000 रुपये का। यहाँ मिलती है आपको फ्रंट में क्रोम स्टडेड ग्रिल, बीच में मिलेगा आपको महिंद्रा का लोगो। यही ग्रिल मिलती है आपको XUV 500 में भी। नीचे मिलते हैं आपको फॉग लैंप्स, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स का भी ऑप्शन मिलता है, ये इसके LED DRLs। शानदार ग्रिल लग रही है इसकी। और यहाँ मिलते हैं आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फॉलो मी होम लीड टू मी व्हीकल फंक्शन के साथ। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको, ये इसकी लोअर ग्रिल, यहाँ पे भी क्रोम फिनिशिंग का काम है। फ्रंट में आपको मिलती है स्किड प्लेट सिल्वर कलर में, जो आप देख रहे हैं। पीछे भी मिलेगी आपको स्किड प्लेट। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो आगे आपको मिलता है मैकपियर्सन स्ट्रट विद एंटी रोल बार का सस्पेंशन, पीछे आपको मिलेगा ट्विस्ट बीम सस्पेंशन विद कॉइल स्प्रिंग XUV 300 में। ऑटो हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स का भी फीचर मिलता है आपको टॉप वेरिएंट के साथ W8 ऑप्शनल में। ए पिलर आपको मिलता है पियानो ब्लैक फिनिश में। दो वाइपर्स दो वॉशर मिलेंगे आपको इधर। और यहाँ मिलते हैं आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स 17 इंच में, डुअल टोन कलर मिलता है आपको। ये सिर्फ टॉप वेरिएंट का ही फीचर है, अदर वेरिएंट्स में ये एलॉय व्हील्स का फीचर नहीं मिलेगा आपको। टायर रेशियो की बात करें तो मिलेगा आपको 215/55 R17 का। ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स का फीचर मिलता है आपको XUV 300 में, जो है स्टैंडर्ड फीचर अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। क्लैडिंग का भी आपको फीचर मिलता है साइड बॉडी एंड व्हील आर्च के ऊपर, आप देख सकते हैं। साइड डोर बीडिंग का भी आपको ऑप्शन मिलेगा डोर प्रोटेक्शन के लिए, जो स्क्रैचेस से बचाता है। ये इसकी व्हील आर्च क्लैडिंग, ब्लैक कलर पे इतनी विजिबल नहीं लग रही है ये। लोअर वेरिएंट्स में आपको 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं। स्मार्ट रेन सेंसिंग फ्रंट वाइपर्स का फीचर मिलता है आपको, पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी ए पिलर पे। और ये इसका रूफ, इलेक्ट्रिक सनरूफ विद एंटी पिंच का आपको फीचर मिलता है इधर। और पीछे मिलेगा आपको रूफ एंटीना। यहाँ मिलती है आपको ड्यूअल टोन में रूफ रेल्स सिल्वर एंड ब्लैक। अदर वेरियंट्स में आपको ब्लैक रूफ रेल्स का फीचर मिलता है, टॉप वेरियंट में ही आपको ड्यूअल टोन मिलेगा। हीटेड ORVMs विद LED टर्न इंडिकेटर। पडल लैंप का कोई फीचर नहीं मिलता आपको XUV 300 में। फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर मिलता है आपको इधर हीटेड ORVMs का। यहाँ मिलते हैं आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स, रिक्वेस्ट सेंसर का भी आपको यहाँ फीचर मिलेगा पैसेंजर साइड डोर पे। बी पिलर मिलता है आपको ब्लैक एंड फिनिश में। हीटेड ORVMs आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा, जो आप सामने देख रहे हैं W8 ऑप्शनल वेरिएंट। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है फ्यूल टैंक। सी पिलर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। ए पिलर एंड सी पिलर आपको मिलता है पियानो ब्लैक फिनिश में, एंड बी पिलर मिलता है आपको ब्लैक एंड टेप के साथ। ये ब्लैक कलर पे इतना विजिबल नहीं लग रहा है, पीछे इसका रेड कलर खड़ा है, आप उधर देख सकते हैं। ये इसका साइड प्रोफाइल लुक, डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छी लगती है महिंद्रा XUV 300 हर एंगल से। और ये बनी है X100 प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे बनी है सांगयोंग तिवोली, उसी से रिलेटेड है महिंद्रा XUV 300। पीछे भी आपको रियर में फॉग लैंप्स का फीचर मिलता है रिफ्लेक्टर के साथ, और कुछ ऐसे दिखते हैं वो। पीछे मिलेंगे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, जो है स्टैंडर्ड फीचर। रियर में भी आपको स्किड प्लेट का फीचर मिलता है सिल्वर कलर में, और इसके फॉग लैंप, उसके साथ में है रिफ्लेक्टर। फ्रंट एंड रियर सेक्शन में मिलती है आपको सिल्वर स्किड प्लेट्स, जो बनाते हैं इसकी लुक को ओवरऑल स्पोर्टी आगे और पीछे से। 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको XUV 300 में। राइट हैंड साइड पे मिलेगा आपको एग्जॉस्ट पाइप। ट्विस्ट बीम का सस्पेंशन मिलता है आपको इधर विद कॉइल स्प्रिंग। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे मिलती है आपको W8 की बैजिंग, हालांकि ये W8 ऑप्शनल वेरिएंट है, लेकिन ऑप्शनल की बैजिंग नहीं मिलेगी आपको टेल गेट पे। बीच में मिलता है आपको महिंद्रा का लोगो। एंड राइट हैंड साइड पे मिलेगी आपको XUV 300 की बैजिंग। यहाँ मिलते हैं आपको LED टेल लैंप्स, जो है स्टैंडर्ड फीचर अक्रॉस ऑल वेरियंट्स फ्रॉम बेस वेरियंट टू द टॉप वेरियंट। रियर सेक्शन में मिलता है आपको डिफॉगर वाइपर एंड वॉशर का फीचर। एंड ऊपर मिलता है आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप LED में, ये लिव यंग लिव फ्री का स्टिकर।
और यहाँ मिलता है आपको रूफ एंटीना, शार्क फिन एंटीना का फीचर नहीं मिलता, ड्यूअल टोन रूफ रेल्स, और यहाँ मिलता है आपको स्पॉयलर जो इसकी लुक को एनहांस करता है काफ़ी हद तक। अदर वेरियंट्स में आपको ब्लैक रूफ रेल्स मिलती हैं, टॉप वेरियंट में आपको मिलती है ड्यूअल टोन में रूफ रेल्स सिल्वर एंड ब्लैक, और कुछ ऐसा दिखता है रियर सेक्शन XUV300 का, और ये राइट हैंड साइड से 2 ईयर्स या अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है आपको महिंद्रा XUV300 में, आप उसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। आइए इसका टेलगेट खोल के देखते हैं। यहाँ मिलता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन, और यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है आपको 257 लीटर्स का, जो सेगमेंट में सबसे कम है, और कुछ ऐसा दिखता है इसका बूट लगेज पैक्स के साथ। राइट हैंड साइड पर मिलता है आपको इल्यूमिनेशन लैम्प, शॉपिंग हुक का कोई भी फीचर नहीं मिलेगा आपको इस बूट में। सेकेंड रो की सीट्स को आप 60-40 स्प्लिट फोल्ड भी कर पाएंगे, जो है स्टैंडर्ड फीचर अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स XUV300 में, और कुछ ऐसा दिखेगा बूट बैग्स को हटाने के बाद। और इस फ्लैप को उठाएंगे तो यहाँ मिलता है आपको स्पेयर टायर 17 इंच में ही मिलेगा, सेम टायर रेशो मिलेगा आपको इधर 215/55, और यहाँ मिलती है आपको इसकी टूल किट, 60-40 स्प्लिट फोल्ड भी आप कर पाएंगे, जो है स्टैंडर्ड फीचर। इससे आपको और बूट स्पेस मिल जाता है। कंपटीशन की बात करें तो फोर्ड इको स्पोर्ट पे मिलता है आपको 352 लीटर्स का बूट स्पेस, हुंडई वेन्यू एंड टाटा नेक्सॉन में मिलेगा आपको 350 लीटर्स का बूट स्पेस, मारुति सुजुकी ब्रेजा में मिलेगा आपको 328 लीटर्स का बूट स्पेस यानी कि 328, एंड होंडा WRV में मिलेगा सेगमेंट बेस्ट 363 लीटर्स का बूट स्पेस। सबसे कम आपको XUV300 में मिलता है 257 लीटर्स। यहाँ मिलता है आपको एक ग्रैब हैंडल, इमरजेंसी एग्जिट बटन का भी फीचर मिलता है आपको इस टेलगेट पे, ये इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा जो आता है डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ। डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ मिलती है आपको 3955 mm की, वेट है 1821, हाइट है 1627 एंड व्हील बेस है 2600 mm का। अगर हम कंपेयर करें इसकी डायमेंशन सैंगयोंग तिवोली से तो आपको वेट एंड हाइट ज़्यादा मिलती है XUV300 में, वेट आपको मिलेगी ज़्यादा 11 mm से एंड हाइट आपको ज़्यादा मिलेगी 4 mm से, व्हील बेस आपको सेम मिलेगा एंड लेंथ आपको कम मिलेगी 230 mm से ड्यू टू 4 मीटर रेगुलेशंस। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इधर मिलता है 180 mm का, टर्निंग रेडियस है 5.3 मीटर्स एंड कर्व वेट डिपेंड करता है वेरिएंट टू वेरिएंट XUV300 में। और यहाँ आपको मिल जाएंगे टोटल 6 कलर ऑप्शंस महिंद्रा XUV300 में। नापोली ब्लैक कलर आप ये देख रहे हैं, इसके अलावा आपको मिलता है पर्ल वाइट, डी सेट सिल्वर, रेड रेस, एक्वामरीन ब्लू एंड सनबर्स्ट ऑरेंज जैसे कलर ऑप्शंस सिंगल टोन में या मोनो टोन में। डुअल टोन में भी कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं वाइट रूफ के साथ, वो आते हैं सिर्फ 2 कलर में, रेड रेस एंड एक्वामरीन ब्लू कलर, और कोई भी कलर नहीं मिलता आपको डुअल टोन में, वो मिलेगा आपको वाइट रूफ के साथ। आइए इसका रियर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स, यहाँ मिलती है आपको डुअल टोन कलर में डोर पैडिंग, पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है आपको इधर, यूटिलिटी स्पेस, पावर विंडो का स्विच मिलेगा आपको सेटिन क्रोम फिनिश में, यह है स्पीकर, डोर माउंटेड आर्मरेस्ट मिलता है आपको इधर, क्रोम इनसाइड डोर हैंडल, नीचे मिलती है आपको डोर पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ, यहाँ पे लेदर फिनिश मिलेगी आपको डोर माउंटेड आर्मरेस्ट पे, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक, यहाँ मिलता है आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक दोनों रियर डोर्स पे, और कुछ ऐसा दिखता है रियर डोर XUV300 का ड्यूअल टोन डोर पैडिंग, एंड टॉप वेरिएंट में मिलेगी आपको ग्रे लेदर राइट सीट अपोल्स्ट्री, ये सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही मिलेगी आपको अपोल्स्ट्री। अदर वेरिएंट्स में मिलती है आपको ब्लैक फैब्रिक सीट अपोल्स्ट्री, यहाँ मिलते हैं आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बहुत ही फाइन क्वालिटी मिलती है आपको इस लेदर राइट सीट अपोल्स्ट्री की, जो मिलती है आपको ग्रे कलर में, और इसका रियर डोर। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। सीट्स के पीछे आपको स्ट्रैप का फीचर मिलता है दोनों सीट्स के पीछे, पॉकेट का ऑप्शन नहीं है इधर, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको फ्रंट रो की सीट्स पे, और यहाँ पे कोई रियर एसी वेंट नहीं मिलेगा और ना ही मिलेगा आपको कोई पावर एसेसरी सॉकेट रियर सेक्शन में। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट का फीचर मिलता है आपको फ्रंट रो के लिए राइट एंड लेफ्ट, और यहाँ मिलती है आपको एक रीडिंग लाइट हेलोजन बल्ब में, LED में नहीं मिलेगी। उसके आगे इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है टॉप वेरिएंट का ही फीचर, और यहाँ मिलता है आपको रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, ऐसी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा कोट हुक के साथ रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल, और एक फ्रंट पे मिलेगा
क्रोम इनसाइड डोर हैंडल। इस डोर को खोलेंगे तो यहाँ पे मिलती है आपको डोर पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ। चारों डोर्स पे आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर का फीचर मिलता है। ये है स्पीकर, पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है आपको, और ये लेदर का काम है इधर डोर माउंटेड आर्मरेस्ट पे। चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी मिलेगा आपको, और यहाँ मिलते हैं आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स सेकेंड रो पे। ये है स्टैंडर्ड फीचर अक्रॉस ऑल वेरियंट्स। यहाँ मिलती है आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर द मिडल सीट, और पीछे मिलता है आपको रियर में आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर्स के साथ, कुछ ऐसा लगता है ये। ग्रे लेदर सीट अपोस्ट्री के साथ 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60-40 स्प्लिट फोल्ड, कुछ ऐसा दिखता है बूट सेकेंड रो से, और कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड लुक सेकेंड रो से। ड्यूअल टोन इंटीरियर मिलेगा आपको इधर, ब्लैक एंड बेज सिल्वर एक्सेंट्स के साथ। ये इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ, आगे भी आपको रीडिंग लाइट का फीचर मिलता है। काफ़ी शानदार इंटीरियर लग रहा है इसका, सिल्वर एक्सेंट का काम ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस इंटीरियर थीम पे। और ये है गाड़ी को ऑन करने के बाद की लुक फ्रंट डैशबोर्ड की, कुछ ऐसे लगेगा इंटीरियर। यहाँ मिलती है आपको रेड कलर की इल्यूमिनेशन लाइट, और ऑन होने के बाद कुछ ऐसे लगेगा। और ये हैं इसके LED DRLs, ऑन होने के बाद कुछ ऐसे लगते हैं ये वेट टर्न इंडिकेटर। ये फीचर आपको मिलता है W8 वेरिएंट से, W4 या W6 वेरिएंट में ये फीचर नहीं मिलेगा। नासिक महाराष्ट्र में इसकी असेंबली होती है महिंद्रा XUV300 की, और इसको ग्लोबल NCAP में रेटिंग मिली है 5 स्टार्स की एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में, एंड 4 स्टार्स मिली है चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में। ये पहली इंडियन मेड कार है जिसने हाईएस्ट पॉइंट स्कोर किए हैं अमंग ऑल 5 स्टार रेटेड कार्स, जिसको टेस्ट किया है ग्लोबल NCAP में। और ये पहली इंडियन मेड कार है जिसने 4 स्टार चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग हासिल की है ग्लोबल NCAP में। और ये हैं इसके LED टेल लैंप्स, ऑन होने के बाद कुछ ऐसे लगते हैं ये, काफ़ी शानदार लुक देता है ये गाड़ी को पीछे से। ये स्टैंडर्ड फीचर मिलता है आपको W4 वेरिएंट से लेके W8 वेरिएंट तक। ऑटो एक्सपो 2020 में इसका एक्सपोर्ट्स वर्जन भी शोकेस्ट किया गया है, उधर आपको मिलता है ऑल न्यू 1.2 लीटर एम स्टैलियन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। उधर आपको पावर मिलती है 128 BHP की 230 NM टॉर्क के साथ। उधर मिलेगी आपको TGDI टेक्नोलॉजी यानी कि टर्बोचार्ज कैसोलिन डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। करंटली आपको मिलती है MPFI टेक्नोलॉजी यानी कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। उस इंजन से आपको मिलेगी 19 BHP पावर ज़्यादा, एंड टॉर्क लेवल आपको 30 NM ज़्यादा मिलेगा, जल्दी वो लॉन्च हो जाएगा। सेफ्टी मिलेंगे आपको टोटल 7 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ISOFIX, ESP विद रोल ओवर मिटिगेशन, हिल स्टार्ट असिस्ट, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, रियर कैमरा विद अडैप्टिव गाइडलाइंस, कोलैप्सिबल स्टेयरिंग एंड साइड इंट्रूशन बीम, हीटेड ORVMs, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, स्मार्ट रेन सेंसिंग वाइपर्स, इंटेलिजेंट लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स, ऑटो डिमिंग IRVM, टायरट्रॉनिक्स, टायर पोजिशन डिस्प्ले, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड रोज, 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर मिडल सीट इन सेकेंड रो, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्री टेंशन एंड फोर्स लिमिटर्स, पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल, इंजन इमोबलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग विद रिमोट कीलेस एंट्री, रियर डोर चाइल्ड सेफ्टी लॉक, डोर अजार वार्निंग लैम्प, की लेफ्ट वार्निंग लैम्प एंड बजर, एंड हेडलैम्प ऑन, एंड लो फ्यूल वार्निंग जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको महिंद्रा XUV300 के टॉप वेरिएंट में, डैट इज W8 ऑप्शनल वेरिएंट। काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं आपको इस SUV में एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। और कुछ ऐसे लगते हैं इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ऑन होने के बाद हेलोजन बल्ब मिलेगा आपको इधर। फॉग लैम्प्स में भी आपको हेलोजन बल्ब मिलेगा विद LED DRLs एंड टर्न इंडिकेटर्स, कुछ ऐसी लगेगी लुक। फॉलो मी होम एंड लीड टू मी व्हीकल का भी फीचर मिलता है आपको इन हेडलैम्प्स में विद ऑटो हेडलैम्प्स। XUV300 के अदर वेरिएंट्स एंड एसेसरी की वीडियोस आपको मिल जाएगी ऊपर आई बटन से या वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक। हाल ही में टाटा नेक्सॉन का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ है, उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी, एंड मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजर आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन या वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। कुछ ऐसे दिखते हैं इसके LED DRLs, W8 वेरिएंट से स्टार्ट होता है फीचर, W6 एंड W4 में नहीं मिलेगा। और यहाँ मिलता है आपको स्मार्ट कीलेस एंट्री का फीचर, 2 रिमोट कीज मिलेगी आपको विद फ्लिप की, और यहाँ मिलता है आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का फीचर W8 ऑप्शनल वेरिएंट में। ये फीचर स्टार्ट होता है W8 वेरिएंट से, W4 या W6 में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। ऑटो फोल्डेबल ORVMs का भी फीचर नहीं मिलेगा XUV300 में। लॉक अनलॉक बटन मिलता है आपको, 2 रिमोट कीज मिलेगी आपको विद फ्लिप की। रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों फ्रंट 2 डोर्स पे मिलता है,
आइए ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं। और यहाँ मिलती है आपको ड्यूअल टोन कलर में डोर पैडिंग, और ये है पावर विंडो के स्विच, सैटिन क्रोम फिनिश मिलेगा आपको इधर। ड्राइवर साइड विंडो पे मिलेगा आपको ऑटो अप या ऑटो डाउन का फीचर, ये मास्टर की लॉक अनलॉक बटन। आगे मिलते हैं आपको ओआरवीएम्स के कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली फोल्ड एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्ट, यूटिलिटी स्पेस, यहाँ पे लेदर का काम है डोर माउंटेड आर्मरेस्ट पे, क्रोम इनसाइड डोर हैंडल, और ये स्पीकर। यहाँ मिलता है आपको ट्विटर, और यहाँ मिलती है आपको फ्रंट मैप पॉकेट टू बॉटल होल्डर के साथ। वार्निंग लैम्प का भी फीचर मिलता है आपको फ्रंट टू डोर्स पे, और कुछ ऐसा दिखता है ड्राइवर साइड डोर, ड्यूअल टोन डोर पैडिंग, नीचे मिलेगी आपको वार्निंग लाइट, और कुछ ऐसे दिखेगा इंटीरियर ड्राइवर साइड से। पावर स्टीयरिंग व्हील का फीचर मिलता है आपको इधर, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, ड्यूअल टोन इंटीरियर, यहाँ मिलेगा आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का फीचर, और ये रिक्लाइन के लिए। और यहाँ मिलता है आपको माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का फीचर, यहाँ से आप कर सकते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप, पार्किंग सेंसर ऑन एंड ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, हेडलैम्प बीम एडजस्टर नॉब। माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको स्टैंडर्ड मिलती है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। और ये इसका एसी वेंट, यहाँ मिलते हैं आपको डुअल टोन कलर, सिल्वर फिनिश एंड पियानो ब्लैक फिनिश। यहाँ मिलता है आपको फ्यूज बॉक्स, ये इसके पेडल्स, डेड पेडल का भी आपको फीचर मिलेगा XUV 300 में, यहाँ से खोल सकते हैं आप इंजन बे। कुछ ऐसी दिखती हैं इसकी सीट्स, ग्रे लेदरवेट सीट अपोस्ट्री जो आता है सिर्फ इस वेरिएंट के साथ ही, जो काफ़ी फाइन क्वालिटी की है। ये इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ विद एंटी पिंच, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको फ्रंट रो एंड सेकंड रो पे, ये है स्टैंडर्ड फीचर अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, और ये इसका लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे मिलता है आपको स्मार्ट स्टीयरिंग सिस्टम, जहाँ मिलेगी आपको तीन मोड्स, कंफर्ट, नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड, आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील को। थंब कंट्रोल का भी आपको फीचर मिलेगा, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं आपको। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेंगे आपको ऑडियो एंड कॉलिंग के कंट्रोल्स, बीच में मिलता है आपको महिंद्रा का लोगो, एंड राइट हैंड साइड पे मिलेंगे आपको क्रूज कंट्रोल्स विद वॉइस कमांड फीचर। और यहाँ मिलेंगे आपको लाइट और इंडिकेटर के कंट्रोल्स विद ऑटो हेडलैम्प्स, इसके पीछे जो आपको बटन मिलेगा ये डमी है। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे मिलते हैं आपको वाइपर एंड वॉशर के कंट्रोल्स, स्मार्ट ट्रेन सेंसिंग वाइपर का फीचर मिलता है आपको इधर फ्रंट टू वाइपर्स के लिए। और यहाँ मिलता है आपको टिल स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का फीचर, टेलीस्कोपिक का फीचर नहीं है। ये इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा आपको क्रोम रिंग के साथ। और यहाँ मिलेगा आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसके नीचे मिलता है आपको हैजार्ड लाइट का बटन, सीट बेल्ट रिमाइंडर बटन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड रोज, इधर मिलता है आपको डुअल जोन में फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल का फीचर, और उसके नीचे मिलेंगे आपको दो USB पोर्ट्स, और उसके बीच में मिलेगा आपको ऑक्स का पोर्ट। और यहाँ मिलेगा आपको 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट, एक ही मिलता है आपको पूरी गाड़ी में, उसके नीचे आपको स्पेस मिलेगी। ये है 6-speed मैनुअल गेयरबॉक्स, पेट्रोल वेरिएंट में आपको मैनुअल गेयरबॉक्स का ही फीचर मिलेगा। यहाँ मिलते हैं आपको 2 कप होल्डर्स, और यहाँ पे है आर्मरेस्ट लेदरवेट अपोस्ट्री के साथ, अंदर आपको स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है। स्लाइडेबल आर्मरेस्ट का फीचर नहीं मिलेगा आपको, हैंड ब्रेक के ऊपर क्रोम टिप मिलेगी, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिल्वर का काम है। और ये है इसका बिग साइज ग्लव बॉक्स, इल्यूमिनेशन लैम्प भी मिलेगा आपको इधर, जब आप गाड़ी को ऑन करेंगे तब ये ऑन होएगा। अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है आपको इधर इस ग्लव बॉक्स में, और ऊपर भी आपको यूटिलिटी स्पेस मिल जाएगी, बढ़िया फीचर। लेफ्ट हैंड साइड डोर को खोलेंगे तो यहाँ पे भी मिलती है आपको फ्रंट मैप पॉकेट 2 बॉटल होल्डर्स के साथ, स्पीकर एंड ट्विटर, टोटल 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स का फीचर मिलता है आपको XUV 300 में। डोर माउंटेड आर्मरेस्ट पे आपको लेदर का काम देखने को मिलेगा, और ये वार्निंग लाइट फ्रंट टू डोर्स पे मिलती है। स्कफ प्लेट्स का भी आपको फीचर मिलता है फ्रंट टू डोर्स पे, ये पैसेंजर साइड सनवाइजर, यहाँ पे मिलेगा आपको वैनिटी लाइट प्लस मिरर का फीचर, और मिडल में मिलेगी आपको 2 रीडिंग लाइट्स इंडिविजुअली, ऑन एंड ऑफ आप कर सकते हैं। उसके आगे है सनग्लास होल्डर,
ऑटो IRVM, और यहाँ मिलता है आपको ब्लूटूथ माइक, ये इसका सनरूफ, उसका कंट्रोल आपको इधर मिलेगा, और ये ड्राइवर साइड सनवाइजर, यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर प्लस लाइट का फीचर मिलता है। सारी इंटीरियर लाइट्स आपको हेलोजन बल्ब में मिलती है, टिकट होल्डर का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको इधर, और कुछ ऐसा दिखता है इसका डैशबोर्ड। ड्यूल टोन इंटीरियर, आइए गाड़ी को ऑन करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और कुछ ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल। ऑन होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा आपको RPM मीटर, राइट हैंड साइड पे मिलेगा आपको स्पीडोमीटर, बीच में मिलेगा आपको सुपरविजन क्लस्टर, 3.5 इंचेस TFT स्क्रीन के साथ मल्टी कलर इल्यूमिनेशन का भी फीचर मिलता है आपको इधर, टायर ट्रॉनिक्स एंड टायर डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, रेड कलर की इल्यूमिनेशन मिलती है आपको इधर, एम्बियंट लाइटिंग का भी फीचर मिलता है आपको इधर वेरियस पोजीशंस पे, इल्यूमिनेशन की लाइट आपको पावर विंडो के स्विचेस पे भी मिलेगी, फ्रंट मैप पॉकेट के ऊपर भी आपको एम्बियंट लाइटिंग का फीचर मिलेगा, और यहाँ पे लाइकवाइज आपको ग्लव बॉक्स पे इल्यूमिनेशन का भी फीचर मिलता है। जब आप गाड़ी को ऑन या स्टार्ट करेंगे तभी इल्यूमिनेशन लाइट ऑन होगी ग्लव बॉक्स की, बिग साइज ग्लव बॉक्स मिलता है आपको इधर XUV300 में, और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टी कलर इल्यूमिनेशन का फीचर मिलता है आपको इधर, टायर ट्रॉनिक्स एंड टायर डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, डिजिटल टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, ड्यूअल ट्रिप मीटर्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ड्राइविंग टाइम, एवरेज स्पीड भी दिखाएगा ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल फ्यूल गॉच, डिजिटल टेम्परेचर मीटर एंड टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स भी दिखाएगा ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और इस बटन से आप एक्सेस कर पाएंगे इस क्लस्टर को। वेरियस इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं इस 3.5 इंच TFT स्क्रीन से इस बटन के थ्रू आप एक्सेस कर पाएंगे, और सेटिंग्स भी आप कर पाएंगे इसी बटन से। स्टेयरिंग मोड्स का भी बटन मिलता है आपको उधर राइट हैंड साइड पे, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फीचर मिलता है आपको ड्राइवर साइड विंडो पे, इल्यूमिनेशन भी मिलेगी आपको पावर विंडो के स्विचेस पे, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड ट्रैक का फीचर मिलता है आपको इधर, और इस जॉयस्टिक से आप कर पाएंगे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ORVMs को, ऑटो फोल्डेबल ORVMs का फीचर नहीं मिलता आपको इधर, पार्किंग सेंसर्स ऑन एंड ऑफ, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऑन एंड ऑफ, यहाँ पे भी लाइट देखने को मिल रही है, एंड ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, और यहाँ मिलता है आपको डुअल जोन में फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, इधर आपको मिलते हैं 3 मेमोरी स्लॉट्स, पैसेंजर एंड ड्राइवर के लिए आप अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है ये, ये डिफॉगर का बटन, और इसके ऊपर मिलता है आपको 7 इंच में टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ये फीचर आपको मिल जाता है W6 वेरियंट से, इधर मिल जाते हैं आपको कई सारे फीचर्स लाइक इको सेंस, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, इन बिल्ट नेविगेशन जैसे फीचर्स, सपोर्ट करता है रेडियो, ब्लूटूथ, USB ऑक्स को भी, ये इसका इको सेंस, वेरियस सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं सिस्टम के थ्रू, इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम, टायरट्रॉनिक्स का भी आपको फीचर मिल जाता है इस सिस्टम पे, ब्लू सेंस एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है सिस्टम, एंड आप इससे स्मार्ट वॉच भी कनेक्ट कर सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू, टोटल 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स का फीचर मिलता है आपको इधर, W4 बेस मॉडल में मिलता है आपको मोनोक्रोम इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले, वो भी मिलेगा आपको सिर्फ डीजल वेरिएंट के साथ, पेट्रोल वेरिएंट के साथ कोई भी सिस्टम नहीं मिलेगा W4 वेरिएंट में, और यहाँ पे मिलता है आपको वॉइस कमांड्स एंड SMS रीड आउट का फीचर, इस सिस्टम के थ्रू आप एक्सेस कर पाएंगे, और यहाँ मिलता है आपको सनरूफ का बटन, इलेक्ट्रिक सनरूफ विद एंटी पिंच, कॉन्स्टेंटली आपको इसको दबाना पड़ेगा खोलने के लिए, एंटी पिंच का भी फीचर मिलता है आपको इधर इस सनरूफ पे, ये सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा आपको फीचर इलेक्ट्रिक सनरूफ का, W8 ऑप्शनल वेरिएंट में, जब गाड़ी का डोर ओपन होगा तो ये MID दिखाएगा आपको, और यही फीचर आपको मिलता है सनरूफ एंड टेलगेट के लिए भी, बढ़िया फीचर, और कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर गाड़ी को ऑन करने के बाद ड्राइवर साइड से, ड्यूल टोन इंटीरियर, ब्लैक एंड बेज, लेफ्ट हैंड साइड रियर पैसेंजर डोर स्पेस आप देख सकते हैं, अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है आपको, लेग रूम भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है इस SUV में, दोनों रियर डोर्स पे आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक का फीचर मिलेगा,
और यहाँ पे भी मिलता है आपको रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर लाइक ड्राइवर साइड डोर, और कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर पैसेंजर साइड से। ब्लैक स्कर्व प्लेट्स का फीचर मिलता है आपको फ्रंट टू डोर्स पे, और यहाँ से आप पैसेंजर एयरबैग को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, और इधर कोई भी यूटिलिटी स्पेस नहीं मिलेगा। रिक्लाइन एंड स्लाइडिंग का फीचर मिलता है आपको पैसेंजर साइड सीट पे भी, ये इसकी स्कफ प्लेट्स ब्लैक कलर में मिलेगी। रियर डोर पे स्कफ प्लेट्स का फीचर नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। वार्निंग लाइट का भी फीचर आपको रियर डोर पे नहीं मिलता है। आइए इसका फ्यूल लिट खोल के देखते हैं। यहाँ से खोल सकते हैं आप फ्यूल लिट, इधर मिलता है आपको लीवर, और यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है आपको 42 लीटर्स की। एक बारी में आप 42 लीटर्स का पेट्रोल या डीजल भरवा सकते हैं XUV 300 में। और यहाँ से खुलता है इसका इंजन बे, और यहाँ मिलती है आपको पैडिंग फॉर बेटर इंसुलेशन। XUV 300 में आते हैं दो इंजन ऑप्शंस। पहला आपको मिलेगा BSS कंप्लाइंट 1.2 लीटर टर्बो चार्ज MPFI इंजन, थ्री सिलेंडर का इंजन है ये। 109 BHP की पावर प्रोड्यूस करेगा 200 NM टॉर्क के साथ। 17 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी माइलेज क्लेम करती है, आता है सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। दूसरा मिलता है आपको 1.5 लीटर टर्बो चार्ज डीजल इंजन, BS4 कंप्लाइंट इंजन मिलता है आपको। बहुत ही जल्द इसका BSS कंप्लाइंट भी लॉन्च होने वाला है। ये मिलेगा आपको फोर सिलेंडर इंजन, 115 BHP की पावर प्रोड्यूस करेगा 300 NM टॉर्क के साथ। इसकी कंपनी माइलेज क्लेम करती है 20 किलोमीटर पर लीटर की, और ये आता है 6 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड AMT गियर बॉक्स के साथ। W4 वेरिएंट को छोड़ के आपको हर वेरिएंट के साथ AMT गियर बॉक्स का फीचर मिलता है डीजल इंजन ऑप्शन में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऑटो एक्सपो 2020 में इसका स्पोर्ट्स वर्जन भी शोकेस्ड हुआ है। उधर आपको मिलता है ऑल न्यू 1.2 लीटर टर्बोचार्ज एम्स्टेलियन का इंजन, वो बना है TGDI टेक्नोलॉजी पे, यानी कि टर्बोचार्ज कैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। अभी आपको इस इंजन में मिलती है MPFI टेक्नोलॉजी, यानी कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, वो भी आपको BSS कंप्लाइंट इंजन मिलेगा लाइक करंट इंजन, वो मिलेगा आपको सिर्फ पेट्रोल में। उधर आपको पावर मिल जाएगी 128 BHP की 230 NM टॉर्क के साथ, तो आपको 19 BHP पावर ज़्यादा मिलेगी उस इंजन से। टॉर्क लेवल मिलेगा आपको 30 NM ज़्यादा। 14 फरवरी 2019 को सबसे पहले लॉन्च हुई थी महिंद्रा XUV300, इसको आज हो गया पूरा एक साल। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ऑल न्यू महिंद्रा XUV300 का ये टॉप वेरिएंट W8 ऑप्शनल? आप इसको लेना पसंद करेंगे कि नहीं एज कम्पेयर टू अदर वेरिएंट्स? आप क्या सोचते हैं इस गाड़ी के बारे में हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।